इंसान के राज्य में इंसान ही राजा होता है, पर जानवरों में सिर्फ सिंह ही जानवरों का राजा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ द लाइन किंग, जो हाल ही में रिलीज हुए हिंदी डब्ड इंग्लिश मूवी के बारे में। प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ द लाइन किंग, जो इंग्लिश मूवी जो हिंदी में डब्ड होकर रिलीज हुई है। सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज हुई है ये पिक्चर। दरअसल ये पिक्चर तकरीबन 25 साल पहले रिलीज हुई थी, ये 2D में। तब हम तकरीबन बच्चे की तरह ही थे जो स्कूल में पढ़ा करते थे, तब हमने देखा था टीवी में। पर आजकल के बदलते ज़माने के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, आजकल के बच्चे 3D एनिमेशन में देखते हैं, जैसे दिखने में एकदम ओरिजिनल लगता है, जैसे रूबरू अपने आमने सामने देख रहे हो, इस तरह लगता है। बाकी एनिमेशन काफ़ी अच्छा किया गया है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए को भी ध्यान में रखिए। पिक्चर को थोड़ा काफ़ी अच्छा थोड़ा रिनोवेट करके इसे थोड़ा बनाया गया है। काफ़ी अच्छा इसमें विजुअल इफेक्ट, एकदम रियल इफेक्ट दिया गया है, जैसे बाकी जानवर आपस में बात कर रहे हैं इंसान की तरह। और एकदम बाप और बेटे का जो प्यार मोहब्बत और दिखाया गया है, उनको जिस तरह बाप ने अपने बेटे को समझाते हैं क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ज़िंदगी किस तरह जीना चाहिए आने वाले दिनों में, काफ़ी अच्छी तरह सिखाया गया है, ताकि इस तरह हम अपने बच्चों को भी सिखाए और आगे की सोचे, आगे हम तरक्की करने की सोचे। वाकई पिक्चर काबिले तारीफ है, अपने परिवार के साथ, परिवार में अपने वी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। वाकई ये पिक्चर काफ़ी अच्छी तरह, वॉइस डबिंग भी इतनी अच्छी तरह किया गया है हिंदी में, जिसमें मुफासा का रोल का जो वॉइस है हिंदी में शाहरुख खान ने किया है, जबकि उसमें जो सिम्हा का रोल जो बेटा है उनका, उसका वॉइस उनके खुद उनके बेटे ने दिया है, आर्या खान ने दिया है। और वाकई काफ़ी अच्छे एकदम डिस्नी कंपनी वालों ने काफ़ी अच्छा चुना है, अच्छे अच्छे एक्टरों को चुना है, फेमस एक्टरों को चुना है बैक वॉइस देने के लिए, और काफ़ी अच्छा इसे पिक्चराइज किया गया है। ऐसा लगता है कि हमने अपने बचपन में जाके हम खो गए, 25 साल पहले जब हम स्कूल में जाया करते थे, तब हम इसे टीवी में देखते थे और वाकई खुश हुआ करते थे। और आजकल के बच्चों को इस तरह दिखाना ही काफ़ी पसंद करते हैं, क्या पता आने वाले और 25 साल में ये पिक्चर वापस रीमेक किया गया होगा 7D और 8D में, जिस तरह हम वाकई हम जंगल में रह रहे हो ऐसा दिखने में लगेगा। वाकई पिक्चर काफ़ी अच्छा बनाया है, और इतना ही नहीं बल्कि जो इसका विजुअल इफेक्ट याद है कि हिंदी पिक्चर में हिंदी गाना हुआ करता है, हिंदी पिक्चर में गाना हुआ करता है। और ये तो ताज्जुब की बात है कि इंग्लिश पिक्चरों में इतनी अच्छी गाना, इन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूजिक दिया गया है, और काफ़ी अच्छा एकदम इसे हिंदी मूवी के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करके भी इसे पिक्चराइज किया है, इसको अच्छा प्रेजेंट किया गया है, विजुअल इफेक्ट से लेकर उसका काफ़ी एनिमेशन, और एकदम जैसे वाकई इंसान इंसान की तरह जानवर बात कर रहे हैं वैसा लगता है दिखने में। और डबिंग वॉइस और इसका जो इनका जो वर्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किया है बात करने के लिए, वाकई काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एकदम अनएक्सपेक्टेबल है, वाकई देखने लायक है। आप भी देखिएगा सिनेमाघरों में जाके, पूरे परिवार के साथ आप देखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अलविदा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेरे देखिएगा इस बिग स्क्रीन रिव्यू के बारे में अपना राय जरूर बताइएगा, और इसे सजेशन में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। कुछ भी हो अपने नहीं रखिएगा, अपने मन में लिख दीजिएगा, अपने हमारे कमेंट्स में बस लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अलविदा, अल्लाह हाफिज़, बाय।